अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाँ, क्या हुआ? कल जो रोटियां बची थी चार, हाँ, एक आप खाएंगे, एक तलाक खाएगा और दो मैं खाऊंगा। मैं बासी रोटी नहीं खाता। नहीं तो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना, आप लोगों ने क्यों छोड़ी थी रोटियां? खाना आपने नहीं खाया, हमने खाया। अरे तो मैं चार रोटियां खाती हूँ क्या? हाँ तो आप दो भी खाती हैं अपनी। दो खाई थी मैंने। नहीं, कोई नहीं खाई थी दो। मैं बासी रोटी नहीं खाता। आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आप थोड़ी खिला रहे हो बासी रोटी। तो घर पे भी वैसे जब बचती थी अम्मी मेरी खाती थी, यहाँ पे बचती तो आसिया खाती है और तला खा लेता थोड़ी सी। देखें, एक दो तीन चार। दो तुम खाओ, दो तला खाओ। ये क्या? एक काम कर दिया करो, मुझे लंच में ये भी बना दिया करो, कभी इसका ही रोल बना दिया करो, इस तरह की चीजें कर दिया करो ना। क्यों नहीं करती हो? तो मैं तो इसलिए नहीं देती कि आप बोले कर दिया कि बासी रोटी। कोई नहीं, इसके अंदर सामान वामान वही सारा लगा के बन वाला। ये तला हेल्दी तो ये आसिया की फिश चुरा चुरा के खा रहा तला। भाई तो खड़ी है, खा रहे हैं उनके आने से पहले पहले उनकी फिश थोड़ी सी चुरा लो। नहीं नहीं तला खा लो यार। और आज हमारा खाना है शलजम गोश्त। This is शलजम गोश्त बना हुआ है। तो अभी हम खाना खाते हैं। दिन हुआ है आज अख्ताम पजीर मेरा। यार मैं तो गोरा गोरा हो गया यार। ये मेरी वजह से, मेरी मेहनत है। तुमने एक दिन लगाई थी मेरे पे वो मुल्तानी मिट्टी। एक दिन लगाई, बाकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स किसने दी आपको? दी कर तो मैं रहा हूं ना, मुंह पे खुद लगाती हूं इनका। क्या कहते हैं वो, क्या सन ब्लॉक। मैं वैसे आजकल कैप लगा के घूमने, फिनलैंड में बहुत ज़्यादा धूप होती है भाई, और धूप जला देती है यहाँ की। मतलब आपको लिटरली यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्किन जो जल गई है। तो इस बात का ख्याल रखें, अगर आप फिनलैंड में आ गए हैं तो फिनलैंड की धूप से बचें, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ख़राब कर देती है। सही है ना, ऐसे नहीं काटनी। तो खैर, अभी हम घर आ गए, खाना वाना खाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी बातचीत करेंगे आप लोगों से। पर पहले खाना खा लूँ, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं सुबह का गया हूँ। मैं सोच रहा था पाइनएप्पल खाओ ना, अभी रख देना मैं खा लूँ। थोड़ा सा चीनी डाल दो उसके ऊपर, पाइनएप्पल मजेदार लगता है। तो मैं सोच रहा था एक लाइव सेशन भी करें किसी दिन इंशाल्लाह, टाइम मिलेगा तो, ताकि कुछ लोगों के लाइव जवाब जो होते हैं वो लाइव भी कुछ मैं दे दूँ। बट अभी तक मैंने किया नहीं, बट करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप लोग लाइव सेशन के हक में हैं तो मुझे बताइए, तो हम किसी दिन लाइव सेशन भी करेंगे। थोड़ी देर का ही करेंगे, आधे एक घंटे का ही, पर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग यस में जवाब देंगे तो बहुत सारे जो जो लाइव सेशन के फेवर में वो हाथ उठाएं, फिर मैं आपको लाइव अपनी सूरत दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो खैर, पहले खाना खाते हैं इंशाल्लाह, फिर मुलाकात करते हैं। सुबह सुबह मेरी आँख खुली, मैंने फेसबुक स्क्रॉल किया, कसम से ऐसी न्यूज़ मिली ना, दिमाग ख़राब हो गया मेरा यार। मतलब कराची वाले जो हैं वो तो देख ही चुके होंगे शायद, वो सरीना मोबाइल मार्केट में ब्लॉगर को एक गोली मार दी सिक्योरिटी गार्ड ने। कसम से मेरा दिमाग इतना घूमा, मैं अभी तक शॉक में चल रहा हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं करूँ। मतलब यार, कोई बात होती, कोई लड़ाई होती, कोई झगड़ा होता, कुछ मतलब बड़ा ख़तरनाक माहौल चल रहा भाई कराची वालों, ख़ास तौर पे तुम लोगों के लिए। तो तुम लोगों को तो जहाँ मौका निकल रहा है ना वहाँ भाग जाओ, जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ भाग जाओ भाई। बस समझ नहीं आ रहा, वो बद्दा बेचारा व्लॉग बना रहा था अपना कोई इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर सरीना मोबाइल मार्केट में, और ये वो साद अहमद हैं जो मेरे ख्याल में लिविंग ऑन द एज कोई वकार जका का प्रोग्राम था उसमें भी आए थे पहले, काफ़ी सालों पहले की बात है। और कल की बात है शायद ये वो कोई व्लॉग बना रहे थे इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर, लोगों के व्यूज़ वगैरह ले रहे थे, तो वो गार्ड ने जो है वो गोली मार दी। और उसकी डिटाई ऊपर से ये देखो कि उसका वो बयान जो आया उसमें वो कह रहा है कि वो माइक मेरे मुँह में बार बार घुसा रहा था, तो हाँ भाई मैंने मार दिया तो मार दिया। वो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, और वो कोई दो बच्चों का बाप भी था। मतलब यार हद हो गई है, मतलब किधर जंगल में रह रहे हो, मतलब जैसा भी है भाई, मतलब आपको कम से कम एक बात का सुकून है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको आपकी जान की वैल्यू है यहाँ पे। सही है,
आज आज मैं बोलूँगा, मैं काफ़ी दिनों से मैं मतलब ये बात बोलता नहीं हूँ कभी, बट मैं आज ये बात बोलूँगा, ये स्पेशली ये सुबह जो मैंने वीडियो देखी और ये जो साद अहमद का जो मैंने वो अंजाम ही बोलूँगा बेचारे का वो देखा, तो मुझे ये लगा कि यार जो कराची स्पेशली जो कराची के लोग हैं वो जो ये पूछते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं या कैसे वैसे, भाई जैसे भी है ना आ जाओ तुम, तुम्हें जॉब ना भी करनी पड़े, तो नहीं मिल रही, रगड़ रहे हो, रोडों पे बैठे हो, बट यहाँ पे आ जाओ कम से कम तुम्हारी ज़िंदगियाँ सुकून में आएंगी, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा तुम लोगों को। मतलब बहुत हालात ख़राब है भाई, और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बड़ा शौक था, मैं सुबह मेरी आँख खुली और मैंने बस लेटे लेटे ही सिर्फ मोबाइल को उठा के ज़रा फेसबुक को सिर्फ ओपन ही किया था और ये सामने न्यूज़ आ गई मेरे कि साद अहमद नाम का ब्लॉग और सो वीडियो भी आ गई उनकी CCTV की यूट्यूब के ऊपर। खैर तो यार हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, और बस समझ नहीं आ रहा, मतलब अल्लाह उस बंदे को इबरत का निशान ही बनाए, मैं तो यही बोलूँगा। मतलब मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी है और हर कोई उसके अंदर अपनी बहती गंगा में हाथ धो रहा है, तो आप लोग को वो तो भाई जिसको जहाँ का मौका मिले ना वहाँ भागो, रहने दो ये वाले सवाल, आता आइंदे के बाद कराची का कोई बंदा मुझसे ये सवाल ना पूछे के वहाँ के हालात कैसे हैं, जॉब मिल जाएगी, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, भाई नहीं भी हो रहा ना तुम तो निकलो, तुम्हें सिर्फ यहाँ आने का मौका मिले भागो, यहाँ के अलावा कहीं भी मैं तो तुम्हें तो मतलब इंसान को बांग्लादेश भी जाना पड़े ना तुम बांग्लादेश चले जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ कसम से, मतलब ये वो कुत्ता गिरी मची हुई है यहाँ पर। अल्लाह मालिक है भाई अब सबका, देखें आगे क्या होता है आप लोगों की ज़िंदगियों में, बट अपनी तरफ से ही सारी कोशिश रखें कि आप लोग निकलो भाई यहाँ से, कसम खुदा की मतलब आज तो एंड हो गई, हद हो गया आज तो, मतलब ना कोई चोरी का सीन, ना कोई डकैती का सीन, चलो कि कोई झगड़ा हुआ हो, कोई डकैती हुई हो, कोई चोरी हुई हो, उसमें चलो फिर भी समझ आ जाता है, वो एक्सेप्टेबल वो भी नहीं है, बट एक समझ आती है ना कि एक सिनेरियो ये चल रहा था, मतलब ये कौन सा सिनेरियो था कि एक बंदा मोबाइल लेके व्लॉग बना रहा और उसको गोली मार दी आपने। तो भाई दोबारा से कहूँगा भागो, जहाँ मौका मिले भागो, बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से, कुत्ता गिरी मची हुई है बहुत ज़्यादा। अभी मैं जा रहा हूँ काम पे और अभी थोड़ा आप लोगों के सवाल आते उनके जवाब भी दे दूँगा, बट अब तो अब मुझसे जो भी ये सवाल पूछेगा ना कि भाई जॉब मिल जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पाकिस्तानी स्पेशली या और उनमें से भी कराची वाले स्पेशली, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि भाई मिले ना मिले वो अल्लाह पर छोड़ दो, आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और वहाँ से निकलो, सीधी सी सिंपल सी बात है। अच्छा जी, तो कुछ सवाल आते हैं पहले, उन लोगों के जवाब दे देते हैं, फिर इंशाल्लाह काम पे जाएंगे। आज इस व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करेंगे, वैसे भी दिल बड़ा उदास उदास सा हो रहा है मेरा बेचारे उनकी वो जो बस आज सुबह की खबर देख के। खैर अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा जी, फिनलैंड के कैफ़े में जॉब ऑफर है, कैफ़े जॉब कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी यार, जहाँ पे भी हो भाई आ जाओ, आज के मेरे सारे सवाल के जवाब यही होंगे, बस यहाँ आ जाओ। सलाम, थैंक्स ब्रदर दैट यू रेगुलरली रिप्लाइंग टू आवर क्वेश्चन। मेरा स्पॉन्सर मेरा भाई है, स्पॉन्सर लेटर जो आपने कहा था नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाना है वो स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए, नॉर्मल स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए ब्रो। आपकी वीडियो देखी, थैंक यू यार। ट्रेन पूरे मुल्क से मिली हुई होती है? हाँ जी, पूरे मुल्क में चलती हैं, इनकी दो तरह की ट्रेन होती हैं, एक जो इनकी इंटरसिटी चल रही होती है या मतलब हेलसिंकी के अंदर जो है वो चल रही है, ठीक है, वो एक अलग होती है, फिर जो एक सिटी टू सिटी ट्रैवल के लिए होती है, एक एक शहर से दूसरे शहर के लिए, वो VR ट्रेन अलग होती हैं, तो उसमें आप उनका टिकट, जाहिर बात है वो रोज़ तो बंदा ट्रैवल नहीं करता ना, तो उसका टिकट थोड़ा सा वो होता है, बाकी वैसे यहाँ पे इंटरसिटी ट्रैवल के लिए आपको बसेस हैं, ट्राम्स हैं, ट्रेन्स हैं, मेट्रो है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है फिनलैंड का, और भी यूरोपियन कंट्रीज़ का होगा बट यहाँ का भी बहुत ज़बरदस्त है। तो और यहाँ का मंथली पास होता है, आप एक बार मंथली पास बना लें और उसके ऊपर आप ट्रैवल करें पूरा महीना, वो उसमें सब चीज़ें होती हैं, उसमें बसेस भी होती हैं, ट्रेन्स भी होती हैं, मेट्रो भी होती हैं, ट्राम्स भी होती हैं, वो एक पास बनवा लेंगे, उसमें जोन होते हैं, किस जोन से किस जोन तक आपका रेगुलर ट्रैवल होता है, जैसे मेरा
ए टू बी जोन है मेरा, रोज़ का ट्रैवल ए टू बी ही है बस, उसके अलावा कहीं नहीं जाता मैं। तो मैंने सिर्फ ए टू बी का पास बनाया हुआ है, तो वो पास मुझे हेल्प करता है काफ़ी अच्छा। भाई पी टी ई एकेडमिक 55 स्कोर है, एडमिशन मिल जाता है यूनिवर्सिटी में? हाँ जी मिल जाता है। आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देखें, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक किया करें। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आपने सोचा लिस्ट डाउन की हुई है, चार यूनिवर्सिटीज़, आप उन चार यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देखें, किसी की हाई होंगी, किसी की थोड़ी सी लो होंगी, कोई उस पर भी ले लेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, कुछ फिनलैंड में स्टिल कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आइल्स के बिना भी एडमिशन दे रही हैं। अगर आप मीडियम ऑफ स्टडीज़ उनको एक लेटर निकलवा के दे दें यूनिवर्सिटी से कि भाई इनकी सारी स्टडीज़ इंग्लिश में थी, तो अभी स्टिल भी वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स विदाउट आइल्स यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही हैं एडमिशन। आगे कब तक करती हैं वो मुझे नहीं पता, बट अभी फ़िलहाल जो है वो कर रही हैं। तो खैर बस यहाँ आज का व्लॉग यहाँ करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और पाकिस्तान से जिंदा बागी है।